रहे न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूँ रीवा के विवेकानंद पार्क में। जिन्हें कहा था उठो जागो और चलो। जी हाँ, 74 साल बाद केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया है, शायद उसी अंदाज में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र जी हैं। मैं अपने कार्यक्रम का आगाज उन्हीं से करूंगा और जानूंगा बजट क्या है। बताइए बजट क्या? स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया इनका बोल जाएगा, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। इस बजट से आम गरीब, जनता, किसान, युवा सभी के अरमानों को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में उनकी संपत्तियां आम जनता के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पे, या कहें कि हर क्षेत्र में इस बजट के माध्यम से आम जनों के अरमानों को पूरा किया जाएगा। यह बजट बहुत ही ज्यादा आम जनों का कल्याण करने वाला बजट है, ऐसा कहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र जी का। योगेंद्र जी से मैं अभी फिर से पहुंचूंगा, जब यहां सवालों की बौछार लगेगी तब उनसे मैं उन सवालों का जवाब भी लूंगा। बताइए, आप किसान नेता हैं, कई महीनों से आप लोग सड़क में हैं, किसान की नजर से बजट बताइए। आप सोच सकते हैं जिस देश में, राजधानी में, झुटुरुन भरी ठंडी में 2 माह से हमारे किसान बैठे हों, जो किसान दिल्ली भेजने का काम करता हो उसको हमारी सरकारें दिल्ली आने से रोके, वो सरकारों से हम अपेक्षा नहीं करते थे, वैसे ही बजट उन्होंने दिया है। वैसे ही बजट उन्होंने दिया है, जिस तरीके से केंद्र की सरकार किसानों के साथ दिखावा कर रही है। आप युवा नेता हैं, क्या लग रहा है आपको बजट में, आपके लिए कुछ है? किसी के हित में ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है जिससे ये कहा जाए, ऐसा कहना था कुछ लोगों से। आप काफी अरसे से बैठे हुए हैं, लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज किसानों की बात नहीं, आज पूरे देश की बात, पूरे देश में जो बजट आज आया है क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो बजट हमने अभी देखा है जितना, तो ये किसान, गरीब, मजदूर विरोधी है। मैं तो ये कहूँगा कि एक दिन का विधायक सांसद बनने वाला व्यक्ति जीवन भर पेंशन पाता है, लेकिन जब किसान जीवन भर जो अन्न पैदा करके देश को खिलाता है और जब वो 50 साल की उम्र पार करता है, तो उसके पेंशन की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए, लेकिन कहीं भी बजट में उल्लेख नहीं है। ये पूरी तरह से उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए तैयार किया बजट है और ये देश विरोधी बजट है, कोरोना ग्रस्त बजट है, और इसमें गरीब के रोटी का के लिए कहीं भी इंतजाम नहीं है। आप साईं गरीब की रोटी का कोई इंतजाम नहीं है, कोरोना ग्रस्त बजट है। थोड़ा ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बताइए प्लीज, थोड़ा ड्राफ्ट करना पड़ेगा। बजट तो निश्चित रूप से बचत के लिए किए लोग इंतजार करते हैं। टैक्स में कोई छूट इन्होंने दिया नहीं, जो बजट है डीजल, पेट्रोल, गैस और महंगाई, कहीं कोई कमी नहीं किया इन्होंने, जो सीधे डायरेक्ट लोगों के जेब में बचत होती। शिक्षा और चिकित्सा दोनों बहुत महंगे हो चुके हैं। शिक्षा आप देख रहे हैं, किसी भी आदमी का जब रोजगार अगर छीन लिया जाए, उसे कहा जाए अपने बच्चों को शिक्षा दो, तो असंभव है, तो वो भी नहीं है। जो भी इन्होंने खोलने की बात किया है वो प्राइवेट सेक्टर में कर किया है, जिसमें बहुत महंगा चिकित्सा। आज डायबिटीज और शुगर के घर घर में मरीज हैं और दवाइयाँ जो है बहुत महंगी है। चिकित्सा अस्पताल में जाइए, वो चल जो चिकित्सा चल रही है बहुत महंगी है। टीवी स्क्रीन पर इस समय एक दूर एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, मैं रीवा के सबसे पुराने TRS कॉलेज की बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे केवल एक सवाल है, जिस तरीके से पुराना TRS कॉलेज है, 74 साल से बजट पेश किया जा रहा है, इस बजट में युवाओं के लिए क्या है खास? देखिए, आम बजट आज पेश हो रहा है, जो आम बजट पर देश की हर जगह, देश के हर व्यक्तियों की नज़र। निश्चित तौर से हम युवा हैं और आज लगातार कई वर्षों से जो उपक्रम देश के संसाधन है उन बंद होते जा रहे हैं और बेरोजगारों की बड़ी तादाद, बड़ी संख्या खड़ी होती जा रही है।
और निश्चित तौर से उपक्रम बंद होने के बाद बेरोजगारों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से देश में एक बेरोजगारों की बड़ी बहुत तैयार है और सरकार के पास बेरोजगार युवाओं के लिए कोई संसाधन उपक्रम तैयार नहीं किए गए। सरकार के पास आपका कहना कि कोई भी संसाधन नहीं है, अगर आपको एक लाइन में बजट के बारे में बोलना पड़े तो आप क्या बोलेंगे? निश्चित तौर से यह बजट युवाओं के विपरीत है और सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया युवाओं के हित में नहीं, बेरोजगारों के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया, ना कि बजट में प्रावधान बने। बजट में किसी तरीके का कोई भी प्रावधान नहीं है युवाओं के लिए। ये बताइए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि बजट तो सरकार ने पेश कर दिया, बजट पिछले 74 साल से लगातार पेश हो रहा है, आपके हिस्से में क्या है? निश्चित रूप से हमारे हिस्से में कहना चाहिए तो खोखला ही बजट इसे हम कहेंगे, क्योंकि हमारा देश युवाओं से चलता है और जिस कोरोना काल में आज देखिए हर तबके के लोग परेशान हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे युवाओं को हुई है। और जहाँ पे आप युवाओं की बात करें तो एक तरफ तो सरकार ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रही है, डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, तो जब डिजिटल ही इतना महंगा हो गया है तो किस आधार पर आप डिजिटल इंडिया का निर्माण करेंगे और किस आधार पर आपकी ऑनलाइन शिक्षा होगी? युवाओं की बड़ी समस्या मोबाइल का रेट बढ़ जाना 15%, डिजिटल इंडिया के बात पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर युवा उठा रहे हैं। पहले योगेन जी से एक सवाल का जवाब लेना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बजट में बात हुई है डीजल की, डीजल का रेट बढ़ाया है, स्वाभाविक सी बात है, अब ये किसी को कहने की जरूरत है, हर चीज के रेट बढ़ेंगे, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई रेट नहीं बढ़ने वाला, महंगाई सबसे ज्यादा नियंत्रित है और इस बजट से देखिएगा कि हमारी जो जीडीपी है वो 11% उछाल लेने वाली, आज देश का भविष्यवाणी है वो 2000 पॉइंट चढ़ गया। देखिए 11% की बात तो मैं आपको बीच में टोकूंगा, 8.5% की बात है, अगले बार 9.5, 1% ही जीडीपी में उलट फेर हो रहा, तो 11.5 तक तो किसी भी अर्थशास्त्री ने इसको नहीं कहा, जहाँ तक मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने मैं बीच में रेटिंग एजेंसी उसने मैं आपको लगाया मैं आपको टोकूंगा, मेरा सवाल केवल आपसे डीजल के बढ़े रेटों के बाद की बात था, मैं बाकी बातें भी करूँगा आपसे। कोई रेट बढ़ाया नहीं गया, सिर्फ लोगों के लिए सीसा लगाया गया, परंतु डीजल के रेट कम होने वाले हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कल ही कम हुआ है रेट। और जो भी किसानों की बात हो रही थी कि किसानों को 6000 रुपया प्रति वर्ष सिर्फ मोदी ने ही पेंशन दिया, किसानों को पेंशन आपकी सरकार ने दी है, माने कोई अभी तक कोई ऐसा डीजल, तो डीजल के बारे में आप डीजल के बारे में क्या बताना चाहिए? हम डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं देंगे। पहली बात तो ये सरकार के नियंत्रण में है ही नहीं, कंपनियां बढ़ाती हैं और सामने आप, हाँ एक चीज जरूर है कि कंपनी के साथ साथ जो इन्होंने जितने परसेंटेज सेस लगाया है उसका फायदा इनको मिलता जाएगा, इसलिए इनको कहने की जरूरत तो है नहीं कि हमें डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा। पेट्रोल डीजल के दाम प्लानिंग है कि देश की गौरव टेक्निकल के दाम बढ़े, जिस तरीके लाइन पे ले जाया की बात बजट की बात, बजट में बहुत सारी बात है, हम उस पर गंभीरता से बात नहीं कर सकते। बात आ जाती है डीजल, जिस तरीके से डीजल पर सेस की बात करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि डीजल की वजह से हर चीज महंगाई बढ़ जाएगी? तो सही है कि परिवहन काफ़ी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है, कोई भी सरकार आए या बजट या कि कोई भी प्लानिंग या योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें अच्छी भी चीज़ें होती हैं बुरी भी चीज़ें होती हैं। हमको देखना ये है कि अच्छी को अच्छी कहें पर बुरा को बुरा भी कहें, क्योंकि आलोचना करने से जो कमियां हैं आपके प्लान में जो वो इन फ्यूचर आप उसके लिए अलर्ट हो जाएंगे और उस कमी को दूर करेंगे। एक लाइन में अगर आपसे कहा जाए कि बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं, अच्छा या खराब? ये देखिए, इसको बैलेंस भी आप कह सकते हैं, अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं। हमने पहले ही कहा कि कोई भी प्लान फुल प्रूफ नहीं हो सकता, कोई भी प्लान फुल प्रूफ नहीं हो सकता, अच्छा भी कहा जा सकता है बुरा भी कहा जा सकता है। बताइए बजट को लेकर क्या सोचते हैं? बजट को लेकर ये सोचते हैं कि आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा बजट है जब सब्सिडी नाम को खत्म कर, ठीक है सब्सिडी आप नए सिरे से खत्म करते, पर जिन्होंने आप स्टार्टअप के नाम पे स्टैंडअप के नाम पे लोगों को उद्योग धंधा लगवा दिया, उनने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया, आज उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो उद्योग धंधा तो ठीक है, उनकी प्रॉपर्टियां भी सेल आउट हो जाएंगी। युवा की नज़र से अगर आपसे कहा जाए बजट के बारे में एक लाइन में, युवा की नज़र से कहा जाए तो शिक्षा महत्वपूर्ण चीज है, शिक्षा इनका पहले से चरमराया हुआ था, उसके लिए आज देखिए साल भर से स्कूलें बंद हैं, उनको और उठाने
बनाने के बजाय इनने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोड़ दिया कि हम इतनी मॉडल स्कूल बनाएंगे, इतना सैनिक स्कूल बनाएंगे। पहले से जो आपके पास है पहले उसको मेंटेन तो कर लो। आपका कहने का मतलब है जो पहले से संस्थाएं चल रही थी उनको मजबूत बताइए। बजट जो इस बार 2021-22 का आया है वो काफ़ी अच्छा बजट है और सभी को सभी के हिताय सभी सुखाय वाला बजट है। किस नज़र से आप कह रहे हैं कि अच्छा बजट है? आप क्या अच्छा लगा बजट में? आप बजट में हमें अच्छा लगा कि जैसे कि गरीब वर्ग के लिए घर बनाने की जो समस्याएं आती थी उसके लिए आज लोहे का दाम सीमेंट का दाम कम किया गया है, सोने चांदी के भी दाम साझी के। मैं बीच में आपको रोकूंगा, आप युवा हैं, आपके हाथ में कोई कोई सामान है मुझे शायद उसका नाम नहीं मालूम, पहले तो बताइए आपके हाथ में है क्या? मोबाइल के 15% बढ़ा दिया गया, हर आदमी की डिजिटल की अगर आप बात करें 15% मामूली रकम नहीं होती, इसको आप कैसे बचाव करेंगे? देखिए आत्मनिर्भर भारत के देश को देखते हुए भारत की जो वस्तुएं हैं उनका रेट कम किया गया है। मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, 15% रेट बढ़ाया गया, इसको आप कैसे बचाव करेंगे क्योंकि आज के लिए सब कुछ मोबाइल पर है। मोबाइल पर बजट जो बढ़ा है वो कुछ देख कर ही बढ़ा होगा। कुछ देख कर ही बढ़ा होगा। चलिए बताइए क्या है, क्या चाहते हैं आप बजट को लेकर? बजट भारत के लिए शिक्षा के लिए और जो है तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बताइए आप किसानों से भी जुड़े रहे हैं, लोगों से भी जुड़े रहे हैं, बजट पूरे बजट को अगर आपको समावेत करना हो तो किस तरीके से आप बजट को बताएंगे? ये तो सारा बजट वो दो पदियों का बजट। हम लोग तो आज सुबह से टीवी चालू करके बैठे थे किसानों को गरीबों को मिलेगा कुछ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया गया किसानों के लिए। तो आप देखे होंगे वीडियो में कील ठोकी जा रही किसानों के आवक जावक जहाँ बने हुए हैं, किसानों को पूरे रास्ते अवरुद्ध किए जा रहे हैं। सरकार कह रही हम आय बढ़ा देंगे, काफ़ी पैसा देने वाले, बजट में हमने बहुत प्रावधान किया है। हमें तो जो बजट पहले के जो पेश है उसी तरह का बजट है, जैसे 50 किलो की खाद की बोरी आती थी 45 कर दे, इस बार 30 किलो की कर देंगे, रेट डबल कर देंगे। बड़ा सवाल ये है कि यूरिया की जो 50 किलो की बोरी आती थी उसको 45 कर देंगे, रेट घटा देंगे बढ़ा देंगे, ये एक अलग बात है। बजट में कुछ कलाकारी भी है। हम राकेश जी मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा और हम आपको तो आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि अगर केंद्र की सरकार कुछ भी करेगी तो क्या आप विरोध करेंगे? उसके कुछ तथ्यात्मक आंकड़े भी आप देंगे? कहा कि हम 4 रुपया डीजल पर और 2.5 रुपया पेट्रोल पर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों के लिए आपने बजट जिस तरीके से लेकिन बजट के लिए उस हिसाब से ही बताया कहाँ पर कैसे हम किसानों को आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन को कुचलने डीजल 4 रुपये और 2.5 रुपये कर दी गई। आज के रोडों पर काम रोड और ऑन माध्यमों से केवल वो माध्यम से सबसे आसान चीज है मोबाइल, जहाँ से आप सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते हैं। जब हम उसको महंगा कर देंगे तो लोग अपनी बात कहने लायक नहीं बचेंगे और जब उस लायक नहीं बचेंगे तो हमारी कमियां कौन गिनाएगा? और आपका कहने का मतलब है सरकार ने आपको इस लायक ही कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग के हाथ में नहीं, केवल और केवल सारे जो भी सूचना तंत्र उनको बंद कर दिया गया बजट में अपनी मनमानी। आपका कहने का मतलब ये एक लाइन में बजट को डिफाइन करिए, अच्छा या बुरा किसानों के लिए जो मैंने बोला। मैं आपसे पूरे बजट की अगर आप बात करूं, जैसे बजट में जो भी चंद उद्योगपतियों के लिए बनाया गया बजट, चंद उद्योगपतियों के लिए बनाया गया बजट ये बहुत शानदार बजट है, ये आम आदमी के लिए बजट है और विपक्ष इस बजट को समझ नहीं पाएगी, कभी नहीं समझ पाएगी किस तरह का इन्होंने कभी बजट पेश ही नहीं किया है। देखिए बातें घुमा फिरा के न करके तथ्यात्मक अगर बात की जाए तो आपने कैसे कह दिया कि बहुत अच्छा बजट है, नहीं समझ पाए? देखिए कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए, देखिए कोरोना की बातचीत मत करिए, कोरोना के लिए हम बात अभी बात करें। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उस अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। युवाओं के लिए क्या बजट? युवाओं के लिए है, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, बिल्कुल रोजगार के अवसर। देखिए जिस पार्टी का ये नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर नारों की ये सोच है, पहले नारों की बात की जाए तो नारों की बात आज नहीं, आज केवल बजट पे बात करेंगे, नारों के लिए अपने पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा वक्त है। आप तो केवल मुझको ये समझाइए, हमारे दर्शकों को या पूरे रीवा शहर को, बजट अच्छा क्यों?
ये बजट घर बनाने के लिए जो सस्ते सामान हुए हैं आम आदमी घर बना सकेगा, लोहा सस्ता हुआ है, आपका कहना है, मैं बीच में रोकूंगा क्योंकि आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आपने कह दिया कि लोहा सस्ता हुआ लेकिन डीजल का रेट बढ़ गया, तो फिर कैसे सस्ता हुआ? डीजल का रेट जरूर महंगा हुआ है लेकिन डीजल का रेट कम होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए कोरोना जैसी महामारी सरकार के हाथ में है क्या रहा था? सरकार के हाथ में डीजल का रेट कम करने का क्या है? ये तो देखिए सेंस लगा के और रेट बढ़ा दिया आपने। देखिए वो रेट कम होगा, जरूर तब रेट कम होगा। चलिए उम्मीदों पर तो दुनिया टिकी, आपकी मुँह में घी शक्कर अगर वाकई आप बात सच हो जाए। जैसा कि आप ये बताइए पूरा बजट जिस तरीके का ये बजट है, इस बजट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं, वो एक बहस का सब्जेक्ट हो सकता है। पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट जो है ये मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये जो बजट है ये झूठ वीर और घोषणा वीर का ढोल का पोल का बजट है। इसमें एक लाइन से अपन हम बात करते हैं, इन्होंने कहा इस बजट से हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे। हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 67 दिनों से रोड पर बैठे हैं, आपने उनकी तो सुनी नहीं। आपने कहा हम किसानों को की आय दोगुना कर देंगे और इसी बजट में उन्होंने 4 रुपया डीजल पर और 2.5 रुपया पेट्रोल पर कृषि सेस बढ़ा दिया है। लोहे की कीमत 4200 रुपया से 56 रुपया हो गई है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार कर गई है। इन्होंने कहा हम 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे, क्या वो निजीकरण करेंगे? इन्होंने कहा हम निजीकरण कर रहे हैं। भैया आपने अगर एक भी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी को बनाने का आप निर्णय लेते इस बजट में तो हम धन्यवाद कहते। आपने रेल को बेचने का, हवाई अड्डों को बेचने का प्लान बनाया है, आपने बीमा कंपनी को बेचने का प्लान बनाया है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने स्वास्थ्य सुविधा पर कहा, नरेंद्र मोदी जी ने 17 एम्स की घोषणा की है और 17 के 17 एम्स पर 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट नहीं दिया है, यानी सिर्फ निर्माण हो और इनकी सरकार चलती रहे। इन्होंने 615 जिलों में से 100 जिलों के लिए, वो भी शहरी क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था के लिए कहा है, वो भी 10% लोगों के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या सिर्फ 10% लोग पानी पिए? क्या 615 जिलों के लोग प्यासे मरे और सिर्फ आप शहरों का ध्यान? अगर बजट एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए बजट क्या अच्छा क्या बुरा तो कैसा बोलेंगे आप बजट? वही जिस तरह 15 लाख लोगों को मिल गए होंगे उसी तरह बजट, 15 लाख लोगों को जिस तरीके से मिल गए होंगे उसका बजट। व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बातचीत आप रखी, बताइए बजट को लेकर क्या सोचते? ये बजट मध्यम वर्ग की आत्मनिर्भर भारत की बात है। आज कोई सरकार ने सिर्फ सरकार के लिए बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, दस्तावेज डॉक्यूमेंट घर से लेकर वो जब देखते हैं कि राज्य में चुनाव होता है पैर रखता है वो अपना ऐसा बजट है मोदी जी का, मोदी भाव के लिए है करने के हिसाब के लिए है। ये आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल खोखला बजट। जो मॉडल स्कूल और सैनिक स्कूल की उन्होंने व्याख्या की है बढ़ाने की संख्या, उसमें उनका जो निजीकरण की बात आ रही है प्राइवेटाइजेशन, वो साफ साफ झलकता है कि वो पूंजीपतियों को ध्यान में रख के ऐसा किया, पूंजीपतियों को ध्यान में रख के बजट को प्रस्तुत किया गया है ऐसा कहना था आप लोगों का। मैं एक बार फिर से मैं जहां से मैंने कार्यक्रम का आगाज किया था ठीक वहीं पर चलता, उठो जागो और उठो जागो और चलो, 74 साल बाद हम वहीं पर हैं जहां पर देश आज़ाद हुआ था। आज भी बजट पर बातचीत है लेकिन कुछ लोगों का कहना था बजट बहुत अच्छा, कुछ लोगों का कहना था निराशाजनक, लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया जिसमें डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाने के बाद बजट में बाकी चीजें सस्ती कैसी होंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस जवाब को ढूंढने की और भी 2 मिनट बाद लगाएं, तब तक के लिए अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।